भोपाल में प्राथमिक शिक्षा कर्मी लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि प्राथमिक स्कूलों के खाली पद भरे जाएं। आंदोलनकारियों ने कहा कि विधायक मंत्रियों और अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, मगर उन ज्ञापनों को लगता है सरकार डस्टबिन में डालने का काम कर रही है। हमारी मांगों को आज तक नहीं माना गया। प्रदर्शन के दौरान प्राथमिक शिक्षा कर्मियों ने भारी तादाद में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बूट पॉलिश कर मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। गत एक वर्ष से आंदोलन पर सड़कों पर ढले हुए हैं। पुलिस प्रशासन बार बार हमें गिरफ्तार कर रही है, थाने ले जा रही है, बार बार छोड़ रही है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर एरिया में छोड़ रही है। 1,25,000 पद खाली है, लेकिन मामा जी ने मात्र 18,000 पदों में भर्ती करके खत्म कर रहे हैं। हम 1,94,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन मामा जी सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। हम पर जो एक वर्ष से सड़कों पर हैं, हम लोगों ने लोक शिक्षण संचालय के सामने 1 महीना 5 जुलाई तक भूख हड़ताल की, इसके बाद 6 दिन हमने आवरण अनशन किया। इसके बाद हम लोगों के कई ज्ञापन मुख्यमंत्री तक जा चुके हैं और बड़े बड़े अधिकारियों तक जा चुके हैं, लेकिन हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में 51,000 पद वृद्धि की मांग नहीं हो रही है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज, हम लोग बेरोजगार हैं, इसलिए हम लोगों ने जूतों पर पालस करने का निर्णय लिया है। प्राइमरी टीचर थे, वो मिडिल स्कूलों में आ गए, तो वो 40,000 पद खाली हुए, इनके ही द्वारा लिस्ट जारी हुई। तो उस 40,000 पदों पे जो प्राइमरी टीचर थे जो अब मिडिल में आ गए, तो प्राइमरी स्कूलों को आप खाली रखोगे? जब हम प्राइमरी टीचर अब एग्जाम पास होकर यहाँ बैठे हैं चौराहे पर, हम बूट पॉलिश करके रोजगार कमा रहे हैं, तो आप हमें भेजिए ना स्कूलों में, ज्वाइनिंग क्यों नहीं देते? बड़वानी में आदिवासी समुदाय के विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कारंजा चौक से पुराने